नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो रीवा पूरा भारत एक प्राचीन और जिंदादिल सभ्यता है, जो कि अपनी संस्कृत विरासत से परिपूर्ण है। भारत ने अपनी इस विविधता को हजारों वर्षों से आत्मसात किया है, लेकिन रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बल्की जलप्रपात में कई पुरातात्विक स्थल, स्मारक, कलाकृति और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अमूर्त स्मारक एवं विरासत मौजूद है, जिनके रखरखाव की आवश्यकता है। यह समृद्ध उनके अमूर्त विरासत के रूप में पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों, परिदृश्य कलाकृतियां और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य अमूर्त स्मारकों में बौद्ध सभ्यता के प्रमाण मौजूद हैं। कुछ मित्र संघ के समय काल में कहा जाता है कि कई हजार बौद्ध मठ भारत में सक्रिय थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान में अक्सर पलायन करते रहते थे। पाटलिपुत्र से बनारस और बनारस से डामंडगंज के समीप पहाड़ों में बौद्ध रुकों के ठहरने का प्रमाण मिल चुका है। बौद्धिक प्रपात भारत के प्रमुख प्रपाती स्थानों में से एक है, जिसका वर्णन भारत के भौगोलिक मानचित्र में देखने को आसानी से मिल जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, शांत वातावरण और कोल जनजाति का विशाल जनसमुदाय पूर्व से मौजूद था, जिनके बीच में उनका प्रचार प्रसार भी खूब फला फूला। हमारी टीम ने ये पाया कि टूरी गढ़ी के नाम से प्रचलित एक स्तूप, जो कि जीर्ण अवस्था में मौजूद है, किंवदंती ये है कि यहाँ चांदी के सिक्के मिलते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ आए दिन खुदाई की जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप मौजूद है व अन्य छोटे स्तूप भी मौजूद हैं, पर खुदाई के कारण वो नष्ट हो चुके हैं। लगातार 40 वर्षों से यहाँ स्थित पत्थरों व शिलाओं की चोरी छिपे ढुलाई की जा रही है। बधन के लालच में आए दिन यहाँ खुदाई की जाती है। यहाँ स्थित चिन्हों व सह चित्रों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। निर्जन स्थान होने के कारण असामाजिक व्यक्ति व अन्य अपराधियों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है, जबकि देव कुठार की तरह ये स्थान भी समान महत्व व समकालीन है। इनके अध्ययन से बौद्ध भिक्षुओं के कार्य, व्यवहार, आवागमन व उस काल के समाज के स्वरूप को समझा जा सकता है। मनगवा विधायक पंचुलाल प्रजापति व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस संबंध में पुरातत्व विभाग को पत्र भी लिखा था, परंतु सरकार की योजनाओं की तरह ही इस पत्र का क्रियान्वयन कहीं नहीं हुआ। या यूं कहे कि विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जमीनी स्तर पर कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज 28, राजीव तिवारी। ये जो जीर्ण अवस्था में जो दिख रहा है गिरा हुआ, ये पहला शैलाश्रय है जो टूड़ी गढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर की ओर पड़ता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर का जो फ्लोर है वो दिखाते हैं। ये देख लीजिए, इसमें गहराई इस प्रकार से है, नदी बह रही है, और उसके बाद ये देखिए, ये एक रास्ता आता है और इस रास्ते के बगल से ये एक शैलाश्रय है। तो शैलाश्रय में भी कई छोटे छोटे व्यक्तियों के रहने के निवास बनाए गए हैं, और ये इसकी पूरी सीन है। ये सर, इसमें ये इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं सर, ये देखिए। और आपके साथ मैं चल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा कृपया कष्ट करिएगा। ये इस जगह को हम साफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पानी की कमी थी। जहाँ ये लिखा हुआ है पुष्य मित्र, और इसमें कई प्रकार के चित्र बने हैं, जिनमें से कुछ खास दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इस प्रकार के चित्र हैं। उधर भी सामने शैल चित्र बने हुए हैं। आ जाइए आप लोग। अब यहाँ से हम जब चढ़ते हैं इस मार्ग से, तो ये देखिए, ये इसके ऊपर का फ्लोर है। बाकायदे इसमें चढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है। और ये देखिए, ये चढ़ के हम इधर आ गए। इसमें देखिए इस प्रकार के चित्र हैं, ये और ये देखिए और ये इस तरीके से। ये अपना शैलाश्रय है, सबसे ऊपर के फ्लोर का। इसकी संरचना इस तरीके से दी गई है। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आकृतियां बनी हुई हैं,
और ये ऊपर ये शेर का डिजाइन दिया गया है, ये शैल चित्र है। ये नीचे भी थोड़ा सा ऐसे स्पेस दिया गया है। इसमें जो बौद्ध स्तूप है उसमें खास बात ये है कि उसके नीचे शैलाश्रय हैं, दो शैलाश्रय हैं, और उनके ठीक बीचों बीच से एक मार्ग जाता है, और उस मार्ग से ये दिखता है, टॉर्च लगा के देखेंगे कि एक अस्थि कलश रखा हुआ है और एक प्याला रखा हुआ है। यदि उनकी खुदाई की जाए, ASI द्वारा कराई जाए, तो ये पता चल सकता है ठीक ठीक समयावधि कौन से समयावधि का है यह। परंतु शासन के ऊपर है, शासन क्या करती है, किस प्रकार से वो संरचित, पहले से सुना था, लेकिन ये क्या कल्पना थी हमारे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। वर्ष 2018 में बहुती जलप्रपात के पास घूमते हुए हमने एक ऐसा स्थान देखा जिसको लोग बाग टूड़ी गढ़ी के नाम से जानते थे। जब उस गढ़ी के समीप हम गए तो हमको ये पता चला कि ये बौद्ध स्तूप है, और इसके बाद से हमारी खोज चालू हुई। लगभग 3 वर्ष तक हमने खोज की, तब जाके उसमें कुछ हमको ऐसे प्रमाण मिले, ठोस प्रमाण, जिससे ये पता चला कि ईसा पूर्व की ये खोज है, ये सभ्यता बहुत पुरानी है। और चूंकि इसके समीप में एक देउर कोठार करके एक राष्ट्रीय धरोहर बौद्ध स्तूप पड़ता है, और उससे जस्ट 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है, और ये जलप्रपात के एकदम किनारे का हिस्सा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम से समकालीन रहा होगा। इसमें एक स्तूप बना हुआ है और शैलाश्रय बने हुए हैं, शैल भित्ति चित्र हैं उसमें, और इसके अलावा कुछ दूरी पर और भी कई सारे शैलाश्रय बने हुए हैं। और विचित्रता ये है कि कुछ शैलाश्रय तो ऐसे हैं कि जो 3 और 4 फ्लोर के हैं, और इस संबंध में मैंने जो राज्य स्तरीय इनकी संस्था है इसमें हमने बात किया, और जो ASI है उसमें हमने बात किया, और माननीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष हैं रीवा से, उनसे हमने इस संबंध में चर्चा की। रविंद्र वाजपेयी जी भारत सरकार के कला एवं संस्कृत समिति के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपके इस मामले में कितना संज्ञान लिया? माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसमें संज्ञान लिया, और माननीय कला एवं संस्कृत मंत्री उषा ठाकुर जी को उन्होंने पत्र लिखा इस संबंध में कार्यवाही के लिए। अब वो अलग बात है कि उसमें कार्यवाही हो नहीं पाई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने जमीनी स्तर पर कार्यवाही नहीं कराई? अब उसमें देखिए क्या है कि कलेक्टर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। कलेक्टर साहब को हम प्रतिदिन मतलब मैसेज करते हैं, और खुदाई लगातार उसकी जारी है। खुदाई होने के बाद तो ये खुदाई कौन कर रहा भाई साहब? खुदाई वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, और यदि इसी तरीके से खुदाई करते रहेंगे तो एक दिन वह बौद्ध स्तूप नष्ट हो जाएगा। और रीवा जिले के किसी मंत्री या विधायक जी ने आपके इस मुहिम पे? विधायक जी मनगवा पंचूलाल प्रजापति जी ने इस संबंध में पत्र लिखा है। अच्छा। और माननीय विधायक जी सिरमौर क्षेत्र के दिव्यराज सिंह जी, उनके कृपा से हम वहाँ भोपाल गए और रुके काफी दिन तक, और पूरी कार्यवाही अपनी करवाए हैं। लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत यह है कि आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग लाखों रुपए पेमेंट पा रहे हैं वो इस ओर झांकने तक नहीं आ रहे हैं, और इतने दुर्गम जगह पे 200-300 रुपए दे करके लेबरों के साथ में जाता हूँ वहाँ, और साइड विजिट करता हूँ। तो आपका ये कहनी है जी, माननीयों ने केवल आपको एक पत्र जारी करने की फॉर्मेलिटी की, उस आपके उस अनुरोध पर विशेष ध्यान नहीं दिया? उसमें यदि विशेष ध्यान दिया जाता तो देखिए कार्यवाही जमीनी स्तर पर होती। उस स्तूप की आज की स्थिति की ये बात है कि अभी आप देखेंगे तो 3-4 दिन पहले तक की उसकी स्तूप की खुदाई की जा रही है, और उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग रहा है। ये साहेबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये एरिया। आपने थाना पुलिस में कभी सूचना दी इस बारे में? जब यहाँ ADGP साहब आए हुए थे और उनकी ज्वाइनिंग थी, उसके लगभग 4-6 दिन बाद हम गए थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारे विभाग का मामला नहीं है, इसके लिए पहले आप ASI से अधिकृत हो जाइए, ASI यदि लिखती है तो हम काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार शुक्ला नाम है। क्या करते हैं आप? सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव है, किस स्थान में निवास करते हैं? ये गढ़ के समीप एक गाँव पड़ता है सिल्टी कला करके। अच्छा जी जी। और आप इसी विभाग के अधिकारी हैं? अभी प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि उस स्थान को संरक्षित किया जाए, वहाँ परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि वहाँ पे जो उत्पात मच रहा है, जो अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, जिन साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा है, वो बच सके, और एक प्रकार की जो संस्कृति बौद्ध सभ्यता है उसको बचाया जा सके, उसको समझा जा सके कि किस तरीके से काम हो रहा है।
अभी आपके बगल में ये इसी विभाग के अधिकारी हैं, इनके पूरे मामला संज्ञान में है, आप पूछ सकते हैं किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयराम पांडे। पांडे जी आप क्या करते हैं? यहाँ देख रेख का ड्यूटी करता हूँ। कहाँ का देख रेख करते हैं? गंगा भवन रीवा। रीवा तो ये शुक्ला जी बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐतिहासिक धरोहरों की अलग से खोज की है, जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए क्या है कि ये डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे जबलपुर में पीएल डाबी साहब बैठते हैं जी, वो उनके अंदर की बात है। और आजकल क्या है कि शासन में जब से कोरोना लगा है तो बजट बहुत कम दे रहा है, बजट दे नहीं रहा है। अच्छा, तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई करेंगे तो केएल दावी साहब करेंगे, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब जी। जी हाँ सर, आज हम अपनी टीम के साथ आए हैं बहुती फॉल में, जहां पर हमें एक सनसनीखेज वस्तु देखने को मिली है, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक बहुत बड़ी खोज हुई है। यहां के निवासी, स्थानीय निवासियों ने वो खोज स्वयं की है, लेकिन प्रशासन स्तर पर उक्त खोज की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत देश में ऐसी कई धरोहरें हैं जिन पर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। जितनी भी धरोहरों की खोज हुई है उसमें से मात्र 10% धरोहरें ही खोजी गई है। अभी हर जगह पर हस्तकला की बहुत सारी धरोहरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग बना के रखा है अलग से, लेकिन अफसोस कि पुरातत्व विभाग भी किसी काम का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ 28, राजीव तिवारी, धन्यवाद।